श्री साई राम साई प्रेम वाणी के हमारे आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं साई का प्यार जीवन आधार, जिसके अंतर्गत हम भगवान बाबा की विद्यार्थी रही श्रीमती अनामिका अरविंद जी के अनुभव सुनेंगे। प्रेम अवतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के तहत हम बुक्कपट्टनम में पढ़ते समय भगवान द्वारा की गई बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। हम गान सरिता के अंतर्गत लाएंगे एक सुमधुर गीत जिसके बोल हैं, प्रेम संदेशा लाए हैं हम। इसके अलावा दिव्य संदेश कार्यक्रम में आप भगवान द्वारा 9 दिसंबर सन 1979 को दिए गए प्रवचन का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम भी सुनेंगे, जिसमें नैतिक शिक्षा पर आधारित एक कहानी ली गई है। और आप दिव्य अनुभव के तहत बाल विकास के एक बच्चे के अनुभव का श्रवण लाभ भी लेंगे। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। इसके अंतर्गत आज हम बेंगलुरु समिति के एक बाल विकास के बच्चे के अनुभव पर आधारित कहानी सुनेंगे। तस्वीर में भगवान और उनके साक्षात दर्शन, ये उसका शीर्षक है। कहते हैं कि प्रभु के प्रेम में डूब जाना ही प्रेम का सबसे बड़ा व महान स्वरूप है, और उन्हें खोजने की लगन सबसे अधिक रोमांचकारी है। भगवान प्रेम के स्वरूप हैं और सदैव व्याकुल हृदय की सच्ची पुकार का उत्तर देते हैं। अब हम जो प्रस्तुत करने वाले हैं वो एक ऐसी ही कहानी है। ये बाल विकास कक्षा में जाने वाले एक बच्चे की कहानी है। बच्चों के भोले और पवित्र मन में प्रेम का दीपक जलाने के लिए भगवान बाबा ने सन 1960 के दशक में बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया था। आइए हम बेंगलुरु की गीता जी के घर चलते हैं, जो कि एक बाल विकास गुरु थीं और उनके छात्रों पर बाबा की बड़ी कृपा थी। स्वामी स्वयं कभी कभी उनके घर आते भी थे। ये कहानी है उन अबोध दिलों की जो स्वामी के लिए तड़पते थे, उनके न आने पर मुरझा जाते थे और उनके आने पर स्वामी के दिव्य प्रेम की अमिट छाप बच्चों के दिलों पर पड़ जाती थी। एक दिन गीता जी के पड़ोस के घर में काम करने वाली एक महिला जो घरेलू काम करती थी, उसने अपने बेटे श्रीनिवास को गीता जी की बाल विकास कक्षा में भेजने की अनुमति मांगी। गीता जी ने सहर्ष उसे अनुमति दे दी और प्रेम पूर्वक बच्चे को बाल विकास कक्षा में शामिल कर लिया। शुरू शुरू में तो श्रीनिवास को प्रसाद का लालच कक्षा में ले जाता था, परंतु धीरे धीरे वो आदर्श छात्र बन गया और भजन, कहानियां एवं श्लोक दूसरे सब बच्चों से जल्दी सीख गया। वहां भगवान बाबा की एक फोटो लगी थी। वो बच्चा प्रत्येक कक्षा में गीता जी से पूछता था, अम्मा ये फोटो में जो भगवान हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष में कब देख सकेंगे? गीता जी दिलासा देती कि ये भगवान हैं जो एक दिन सचमुच हमारी कक्षा में आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें कभी भी बाल विकास की कक्षा से अनुपस्थित नहीं रहना है। स्वामी कभी कभी गीता जी के घर आते थे। एक शनिवार को बाबा के गीता जी के घर पर रात के खाने पर आने का कार्यक्रम तय हुआ। गीता जी ने सब बच्चों को आने का निमंत्रण दिया।
उन्होंने खास तौर से श्रीनिवास की मां को कहा कि शनिवार को इसे जरूर लेकर आना, स्वामी बच्चों से मिलने आ रहे हैं। उस दिन श्रीनिवास का सपना सच होने वाला था, पर उसकी खुशी निराशा में बदल गई। हुआ ये कि उसकी मां ने जिस दिन स्वामी आने वाले थे उसी दिन फिल्म देखने जाने का कार्यक्रम बना लिया और श्रीनिवास को आदेश दिया कि वो घर से बाहर कदम न रखे। जिस घर में वो काम करती थी उसने उस घर की मालकिन तक को नहीं बताया था कि वो सिनेमा देखने जाने वाली है। बेचारा श्रीनिवास मिन्नतें करता रहा कि मां उसे बाल विकास की कक्षा में जाने दे, वहां भगवान आने वाले हैं। परंतु मां ने उसकी एक न सुनी। श्रीनिवास की मां ने तो यहां तक कह डाला कि कौन सा फोटो, कौन भगवान, कोई भगवान नहीं आने वाले। श्रीनिवास बाहर न जाए इसलिए उसने श्रीनिवास को घर के भीतर बंद कर बाहर से ताला भी लगा दिया। दुखी श्रीनिवास खिड़की से बाहर झांकता रहा। वक्त बीतता गया और उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। बाबा के दर्शन को व्याकुल श्रीनिवास अंततः खिड़की तोड़कर बाहर आ गया। आखिर वह कक्षा में आ ही गया। ये देखकर गीता जी खुश हो गईं। परंतु उस दिन बाबा के आने में देर हो रही थी। इधर श्रीनिवास को ये डर लग रहा था कि उसकी मां घर लौट आएगी। वो बार बार घड़ी की ओर देख रहा था और उसने जब देखा कि बाबा अभी भी नहीं आ रहे हैं तो वो चुपके से घर चला गया। बाबा उस समय तक आए नहीं थे और श्रीनिवास किसी को कुछ कहे बिना घर जा चुका था। गीता जी को व्यस्तता में पता ही नहीं चला कि श्रीनिवास जा चुका है। उसके जाने के तुरंत बाद बाबा भी आ पहुंचे। बच्चों को देखकर बाबा बड़े खुश हुए, लेकिन एक बात पर बाबा का विशेष ध्यान था और वो अचानक गीता जी की ओर मुड़े और पूछा, गीता अम्मा, श्रीनिवास कहाँ है? बाबा इस कक्षा के बच्चों से पहली बार मिल रहे थे, मगर वो हर एक बच्चे को पहचानते थे और श्रीनिवास वहां नहीं है ये भी वो जानते थे। गीता जी बच्चों में उसे खोजती रहीं और समझ गईं कि श्रीनिवास सचमुच वहां नहीं है। बाबा ने उन्हें गंभीर दृष्टि से देखा और समझाया कि उन्हें हर समय हर बच्चे का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहां है और कैसा है। इसके बाद बाबा ने स्वयं गीता जी के घर तक पहुंचने से पहले की घटनाओं का सारा विवरण बताया। बाबा ने बताना आरंभ किया कि वहां आते वक्त बाबा को रास्ते में श्रीनिवास के माता पिता घर लौटते हुए दिखे। बाबा ने उन्हें भी पहले कभी नहीं देखा था, परंतु वे उन्हें भली भांति जानते थे। उसकी मां से बात करने के लिए बाबा ने गाड़ी रुकवाई। उन्हें देखकर वो चौंक गई। उसे एकदम ध्यान आया, हे ईश्वर, ये कहीं वो तस्वीर वाले भगवान ही तो नहीं है। बाबा ने उसे कहा, तुम श्रीनिवास को ताले में बंद करके यहां फिल्म देखने आई हो? जानती हो तुम्हारे घर में आग लग गई है। उसकी मां डर और आतंक के मारे रोने लगी। बाबा दिलासा देते हुए बोले, घबराओ मत, आग लगने से पहले मैंने ही उसके मन में खिड़की तोड़कर बाल विकास की कक्षा में जाने का विचार उत्पन्न किया और उसने ऐसा ही किया। वो कक्षा में गया जरूर, मगर
उसे तुम्हारा डर सता रहा था, इसलिए वो किसी को बताए बिना कक्षा से वापस घर आ गया। फिर स्वामी ने उसे कहा कि वो बेटे को लेकर कक्षा में आए। इतना कहकर इधर जैसे ही स्वामी ने ये घटना बताना खत्म किया और उधर गीता जी के घर का दरवाजा खुला और श्रीनिवास तथा उसकी मां ने गीता जी के यहां प्रवेश किया। श्रीनिवास ने पहली बार तस्वीर वाले भगवान के साक्षात दर्शन किए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बाबा के सामने खड़ा है। बाबा ने बड़े प्रेम से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, श्रीनिवास तुम कैसे हो? इससे सिर्फ बच्चे की नहीं मां की भी आंखें खुल गईं और वो अपार श्रद्धा से भर गई। उसे अपनी करनी पर पछतावा हुआ और समझ में आया कि उसका बेटा कितना भाग्यवान है कि सिर्फ बाल विकास कक्षा ही नहीं वो स्वयं भगवान बाबा के संपर्क में है। भगवान बाबा ने श्रीनिवास को अपने प्रेम की डोर में बांध लिया। वो आगे चलकर एक सफल बैंकर और साईं सेवक भी बन गया। बाबा के प्रेम के जादू ने इसी प्रकार से अनगिनत लोगों के जीवन में आनंद भर दिया है। वास्तव में प्रेम स्वरूप भगवान को केवल निश्चल प्रेम से ही पाया जा सकता है और भगवान अपने दिव्य प्रेम से अनगिनत दिलों को परिवर्तित कर आनंद से भर रहे हैं। अभी आप हमारे कार्यक्रम दिव्यानुभव के अंतर्गत बेंगलुरु समिति के एक बाल विकास के बच्चे के अनुभवों पर आधारित एक कहानी तस्वीर में भगवान और उनके साक्षात दर्शन का प्रसारण सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है साई का प्यार जीवन आधार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम श्रीमती अनामिका अरविंद जी के अनुभवों से परिपूर्ण भेंट वार्ता सुनेंगे। भगवान बाबा की विद्यार्थी बन पाने के दुर्लभतम अवसर से अनुग्रहित अनामिका जी से इस वार्तालाप में मुखातिब हैं टीम रेडियो साई की सदस्य श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी, जो स्वयं भी स्वामी की पूर्व छात्रा रही हैं। ओम श्री साई राम। रेडियो साई के प्रिय श्रोताओं को साई राम। आज हमारी अतिथि अनामिका अरविंद हैं। अनामिका दिल्ली में पैदा हुई हैं। ये स्वामी की छात्रा रह चुकी हैं। फिलहाल ये हैदराबाद में एक प्राइवेट चैनल में रेडियो जॉकी कम प्रोग्रामिंग कंट्रोलर के रूप में काम कर रही हैं। अनामिका एक बाल विकास गुरु रह चुकी हैं और अभी श्री सत्य साई सेवा समिति हैदराबाद में एक युवा सदस्य की तरह भाग लेती हैं। साई राम अनामिका, रेडियो साई में आपका स्वागत है। साई राम। अनामिका, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आपके जीवन में भगवान बाबा कब, कैसे और क्यों बसे? सच बोलते तो कौन से साल में हम लोग भगवान के डिवोटीज बने ये तो मुझे भी याद नहीं है, पर मुझे इतने याद है कि मेरे जो पापा थे वो एयरफोर्स में काम करते थे और डिफेंस में रहने के कारण उनको देश के प्रति लगाव तो बहुत ज़्यादा था ही, पर पापा भजन वजन पूजा पाठ इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक बार घर में ऐसी मम्मी को किसी ने फोटो दी थी स्वामी की, तो वो फोटो मम्मी ला के घर में मम्मी ने ऐसी रखी और पूजा करना शुरू किया। किस जगह था ये? ये आई थिंक दिल्ली में गाजियाबाद अम्बाला, हम लोग नॉर्थ की तरफ ही थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वहाँ पे बहुत छोटी रही होंगी। बिल्कुल छोटी, तब तो शायद मैं मेरे जस्ट पैदा होने के कुछ महीने पहले की बात है ये। अच्छा। तो क्योंकि हमारे एयरफोर्स में ट्रांसफर्स होते रहते तो ये भी याद नहीं है कि उस टाइम पे हमारी पोस्टिंग कहाँ पे थी, बट मतलब नॉर्थ में हम लोग थे।
तो जब मम्मी ने स्वामी की वो फोटो लाई और मम्मी ने घर में रखी वो फोटो, तो देख के डैडी बोली, ये सब क्या है, किसकी फोटो लेके आ गई हो, क्या पूजा कर रही हो? तब मम्मी ने कहा कि नहीं, ये भगवान बाबा हैं। तो डैडी को बिल्कुल विश्वास नहीं था। डैडी ने बोला, ये सब नौटंकी, घर में नहीं चलेगी, निकाल दो फोटो घर में। डैडी मतलब विश्वास ही नहीं करते थे कि किसी पत्थर की मूर्ति को ला के तुम कोई पूजा वूजा करते हो, पाठ वाठ करते हो और वो भगवान मानते हो, तो इन सब चीज़ों पर उनको विश्वास नहीं था। तो वो चैप्टर वहाँ एंड हुआ। कुछ दिनों बाद पापा का ट्रांसफ़र आया। तो एफओएस में क्या होता है, जब ट्रांसफ़र होता है तो जाने के पहले, स्पेशली क्योंकि टेक्निकल एरिया में पापा काम करते थे, तो सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब हैंडओवर करके जाना होता है। पर कुछ चीज़ उस, कुछ आइटम मुझे ठीक से वो भी याद नहीं है, पर कुछ आइटम मिसिंग था जिसके चलते ट्रांसफ़र मतलब रुकने का चांस था। और यदि वो हैंडओवर नहीं करते तो एयरफोर्स में कोर्ट मार्शल हो जाते हैं, जो पनिशमेंट कहते हैं, बहुत ही सीवियर होता है वो। तो बिल्कुल, मतलब एक एयरफोर्स में काम करने वाले की ज़िंदगी में यदि कोर्ट मार्शल हुआ, मतलब बहुत ही बड़ा काला धब्बा है वो अपने करियर में। तो अब पापा को समझ ही नहीं आया कि क्या करें, तो बहुत ही परेशान थे और रिलीविंग ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। उस समय उस एफएस कैंपस में ही चलते चलते शाम को जब जा रहे थे मम्मी और पापा, तो वहाँ पे किसी के घर में भजन की आवाज़ सुनाई दी और साई भजन चल रहे थे। तो पापा ने मम्मी को बोला, ये भजन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं चलते हैं। मम्मी को एकदम से आश्चर्य लगा, अब तक तो घर में भगवान की फ़ोटो नहीं रखने देते थे और भजन चलते हैं। मम्मी ने बोला, कौन, हमको परिचय भी नहीं है, ऐसे कैसे जाएंगे किसी के घर, ऐसे कैसे जाके बैठ सकते हैं? तो पापा ने बोला, कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ। और गए, ना उनका नाम मालूम था ना कुछ मालूम था, बस जाके बैठ गए भजन के लिए। और भजन के बाद जो उन लोगों ने विभूति बांटी, वो विभूति लेके घर आए, और पता नहीं डैडी को एक तसल्ली सी थी कि हाँ, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। अगले दिन कोई नए पर्सन जो ट्रांसफ़र होकर आए थे, उन्होंने बोला, मिस्टर राव, आप जा सकते हैं, मैं ये केस टेक ओवर करता हूँ, तुम वरी मत करो। बिल्कुल भी नया आदमी था जिन जो आए थे, एंड उन लोगों ने वो केस टेक ओवर किया और वहाँ से डैडी को मतलब ट्रांसफ़र मिल गया। और डैडी फिर दिल्ली आना हुआ, उसके बाद में पैदा हुई थी। तो तब तक पेरेंट्स ऑलरेडी डिवोटी बन चुके थे। अच्छा, आपके पैदा होने से पहले ही हो गए। और एक भजन के बाद ही इतना बदलाव आ गया। बिल्कुल, सिर्फ वो विभूति घर लेके आए। उसके बाद जब घर में फिर फोटो वोटो का परमिशन मिला और मम्मी ने फिर फोटो वोटो लगाई, बाद में विभूति आना या हनी ये सब आना, शहद का आना, ये सब देखा डैडी ने, तो फिर उसके बाद मतलब विश्वास जो है दो गुना और बढ़ गया। आपकी शिक्षा स्वामी के स्कूल में हुई है, प्रशांति निलिया में। आप हमें अपने अनुभव के बारे में बताइए, जब आप एक विद्यार्थी थी उनके स्कूल में। मैं एक्चुअली बचपन में स्वामी के स्कूल ज्वाइन करने के पहले ना बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की थी, मतलब मेरी मुर्गी की एक टांग। अच्छा। इतनी जिद्दी थी तो कोई भी कुछ भी कह दे, मुझे किसी की बात नहीं सुनना है, अपना ही वो सुनना है। फिर जब मैं यहाँ आई स्वामी के स्कूल में, जब ज्वाइन हुई, तो यहाँ पे जो स्कूल का वातावरण था, मुझे इतना भाया, इतना अच्छा लगा, और मुझे लगता था कि किसी भी तरह मुझे यहाँ पे एंट्रेंस मिलना चाहिए। और जब मैंने टेस्ट भी लिखा था तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे सीट मिलेगी। और पहली बार मैंने ज़िंदगी में कष्ट करके पढ़ाई की, मतलब वरना मैं स्कूल में भी ना पास हो जाती थी, इसलिए मुझे हार्डवर्क करना, पढ़ाई करना या कभी भी फर्स्ट आना, ये सब कभी मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। बस खेलते रहो, कल्चरल एक्टिविटीज़ करो, इन सब पर ज़्यादा मतलब मेरे को इंटरेस्ट था। लेकिन जब मुझे पता चला कि एंट्रेंस लिखना है, तब जिंदगी में पहली बार थोड़ा बहुत मैंने कष्ट किया, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा। हालांकि बहुत अच्छा नहीं लिखा था। और उसने एग्ज़ाम लिखने के बाद मैं प्रशांति निलयम जब गई भजन के लिए, बैठी थी मेरे सामने और एक लड़की बैठी थी जिसने मेरे साथ ही सेम क्लास का एग्ज़ाम लिखा था। तो मैंने उसको पूछा, तुमने कैसा लिखा एग्ज़ाम, क्या तुम्हें सीट मिल जाएगी स्वामी के स्कूल में? वो बोली, बिल्कुल, मुझे तो पक्का मिलेगा सीट, मैंने बहुत अच्छा लिखा एग्ज़ाम। उस लड़की को इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको मिल जाएगा। तो जब वो भजन करी थी, मैंने ना उसकी ड्रेस साइड से जाके हल्का सा छुआ, सिर्फ ये फीलिंग होने के लिए कि स्वामी, मैंने आपके स्टूडेंट की ड्रेस छू ली। मुझे वो एक बस एक चांस मिल जाए कि मैं स्वामी के स्टूडेंट को छू पाऊँ करके, मैंने उसकी जब ड्रेस छुई तो मुझे बस तसल्ली मिल गई कि अब मुझे सीट मिले ना मिले, मैंने स्वामी के स्टूडेंट की ड्रेस छुई है। अब शायद स्वामी को ये बात भा गई, अब पता नहीं क्या। उसके बाद जब मुझे सीट मिली, उसके बाद फिर मैं बहुत खुश थी। या वहाँ से तो एक जर्नी था जो है डिसिप्लिन, सुबह उठना, फिर टाइम पे बेल होते ही नहाना, बेल होते ही असेंबली चले जाना, बेल होते ही खाना खाने चले जाना, बेल होते ही फिर दर्शन के लिए जाना, इतना जो रूटीन था। इसके चलते ना अनुशासन जब हमारी ज़िंदगी का एक भाग हो जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लाइफ भी काफ़ी सुधर जाती है। उस तरह मैं भी स्वामी के डिस्कोर्स सुनते 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 ज़िद्दी रहने से कुछ काम नहीं होता है, विनम्रता ही सब कुछ है करके, मैंने भी फिर बहुत कुछ फिर स्वामी के स्कूल में सीखा। काफ़ी परिवर्तन आया होगा आपके स्वभाव में। बिल्कुल, घर वाले तो विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये वही अनामिका है जो इतनी ज़िद्दी थी, सबसे आर्ग्यूमेंट करती रहती थी। और अब ऐसा होता है कि यदि कहीं कुछ आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, मैं सबसे पहले उस जगह से दूर चली जाती हूँ, मतलब उस जगह पे नहीं रहती, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता कि क्यों किसी चीज़ के लिए कोई लड़ सकता है। ऐसा लगता है मैं निकल जाती हूँ वहाँ से। और कोई स्कूल के दिनों का कोई अनुभव जो आप शेयर करना चाहें?
स्कूल में जब हम थे तो स्वामी जो है हमारे क्लासमेट्स के साथ, हम सबके साथ जब बात करते थे तो स्वामी पूछते थे इडली खाया, कितना खाया, बड़ा खाया, छोटा खाया, ये पूरा मतलब स्वामी एक एक बात का ध्यान। बिल्कुल, शायद मैं तो घर वाले भी उतना ध्यान नहीं रखते कि समय पे खाए नहीं खाए, क्योंकि कॉलेज के लिए जब मैं हैदराबाद आई तो मुझे लगता था कि मैं खाई या नहीं खाई किसी को मतलब अब कोई पूछने वाले नहीं है। और हॉस्टल में इधर एक तरफ स्वामी पूछते थे, एक तरफ प्रिंसिपल, वार्डन, सब लोग कि खाओ खाओ खाओ, ऐसा लगता था अब तो कोई खाए या नहीं खाए पूछने वाले नहीं है। तो ये बहुत मुझे खलता था जब मैं बाहर आ गई। तो स्कूल में तो ये पैम्परिंग स्वामी की बहुत थी। वही तो कहते हैं भगवान 1000 माँ के समान है। बिल्कुल 1000 माँ के समान, उतना प्यार तो फिर कभी नहीं मिला। फिर स्पोर्ट्स मीट जैसे हम लोग को स्वामी के सामने परफॉर्म करने, अगर हम लोग रात रात जग के जो परफॉर्म करते थे, फिर सडनली स्वामी आके देखते थे 2 दिन पहले 3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले स्वामी आके देखते थे कि प्रैक्टिस कैसे चल रही है। फिर स्वामी बताते थे कि ऐसा करो या वैसा करो। तो कौन रात रात को आके प्रैक्टिस पहले से ही देख के, कोई चांसलर आके किसी यूनिवर्सिटी का पहले से देख के कोई एडवाइस देते हैं कि ऐसा करो बच्चों के लिए, ऐसा करो। फिर हमारे लिए खाने के लिए विटामिन्स या ग्लूकोज या बिस्किट्स भेजना, चॉकलेट्स भेजना, आइसक्रीम्स भेजना, इतना भेजते थे स्वामी। और जो आम जिस प्रकार स्वामी भेजते थे वो तो आज ज़िंदगी में कभी खाए ही नहीं बाहर आने के बाद। और इतनी मोटी थी मैं जब मैं स्कूल में थी ना, तो सब लोग, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, सब लोग बोलते थे कि तुम्हारी छोटी बहनें क्या कर रही हैं। मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन देखने में सब मैं इतनी मोटी मोटी थी कि सब लोग सोचते थे कि सबसे बड़ी मैं। और वही बाहर आते कि पूरी हड्डी पसली सब एक सब निकल गया। तो स्वामी का प्यार तो इतना, बिल्कुल वो प्यार तो कोई और दे ही नहीं सकता। अनामिका जी, फिलहाल आप हैदराबाद में रहती हैं, आप वहाँ क्या कर रही हैं, और जो साई शिक्षा आपने प्राप्त की है इसे आप अपने काम में कैसे लेकर आती हैं? फिलहाल तो मैं एक प्राइवेट रेडियो चैनल में काम करती हूँ, मैं रेडियो जॉकी कम प्रोग्रामिंग कंट्रोलर की तरह काम कर रही हूँ। और जैसे आपने पूछा कि आप साई शिक्षा को किस तरह अपने कार्य में शामिल करती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वहाँ पे जो हमको काम आता है टक्कर खाता है, कई बार ऐसा होता है। हम लोग जो है ना अपने शो के बाद हमको कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आवाज़ भी देनी पड़ती है। तो मुझे ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला गया कि तुम ये आवाज़ देना है, पर उस दिन जो प्रोडक्ट था जिसके लिए आवाज़ देनी थी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस प्रोडक्ट के लिए आवाज़ देने के लिए। तो मैंने देखा और मैंने उस साउंड इंजीनियर को बोला कि देखिए मैं ये नहीं दे सकती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, किसी और की आवाज़ ले लो। पर उस दिन पता नहीं कोई नहीं थे ऑफिस में, तो उनको चाहिए था कि मतलब कोई और ऑप्शन नहीं था, मेरी ही आवाज़ लेनी थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अनामिका तुम्हें करना ही है। तो मैंने बोला नहीं कुछ भी हो जाए मेरे बस की बात नहीं है, तो मुझे बॉस को बोलना पड़ेगा कि तुम नहीं कर रही हो। तो मैंने बोला प्लीज़ गो अहेड, आप बॉस को बोल दीजिए कि मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं करूँगी। फिर उन लोग गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है। तो मेरे बॉस आए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है अनामिका, तुम क्यों नहीं करना चाहती? मैंने बोला सर आप रीज़न पूछेंगे तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे मेरे प्रिंसिपल्स अलाउ नहीं करते हैं ये करने के लिए, इसलिए मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता है। यदि आप आवाज़ देने के लिए बोलेंगे तो भी मैं उसके लिए जो सूटेबल आवाज़ है, जो मॉड्यूलेशन है, वो नहीं दे पाऊँगी। तो फिर उन्होंने एक बार सोचा, फिर उन्होंने स्क्रिप्ट देखी, बोले कि यदि हम स्क्रिप्ट चेंज करके दे देंगे तब तुम दोगी क्या? तो मैंने बोला सर स्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम है, मैं नहीं दे सकती। फिर फाइनली मैंने नहीं दी आवाज़, और उसके बाद उन्होंने किसी और को बुलाया, दूसरे डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया, और वो काम ख़त्म करवाया। मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जाएगा तो जाएगा, लेकिन यदि मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। लेकिन इस टाइम पे पता लगता है कि स्वामी हमारे साथ हैं। मेरे बॉस को भी समझ में आया कि कुछ चीज़ें यदि किसी को कम्फर्टेबल नहीं लगती तो ज़बरदस्ती उनसे नहीं करवाना चाहिए। और कभी भी मतलब उस विषय को लेकर मुझे ब्लैक मार्क आना या मेरे करियर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आना करके कभी भी कंसिडर नहीं किया। इनफैक्ट मुझे फिर भी प्रमोशन मिला। तो ऐसा है कि जब भी हम स्वामी की कही हुई बातों को फॉलो करते हैं तो कभी भी हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये एक चीज़ मैंने सीखी। अगर आप सही काम करोगे तो भगवान, सारा संसार आपके साथ है। बिल्कुल उसी तरह उनकी अनुभूति तो मतलब क्षण क्षण मुझे महसूस होती है। यहाँ आने के लिए और अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। साई राम। साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज हमने इस कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा की विद्यार्थी रहीं हैदराबाद निवासी श्रीमती अनामिका अरविंद जी के अनुभव सुने। उनसे वार्तालाप कर रही थीं श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी, जो टीम रेडियो साई की प्रमुख सदस्या हैं।
प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से लिया गया वो अलौकिक प्रसंग जिसमें भगवान बाबा द्वारा बुक्कापट्टनम स्कूल में की गई कुछ एक सुमधुर बाल लीलाओं का वर्णन है। नटन मनोहर निराकार के साकार रूप सत्यनारायण ने अपने बाल्यकाल की शिक्षा समाप्त की तब इस बालक को बुक्कापट्टनम भेजना ही उचित होगा, ऐसा उसके शिक्षकों ने निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार सत्या को वहां के हायर एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल कराया गया। पुट्टपर्ती से बुक्कापट्टनम 2.5 मील की दूरी पर है। अनेक कष्टों को झेलते हुए कभी कीचड़ एवं कांटों भरी राह से तो कभी बरसात में कमर तक पानी भरे तालाब को पार कर पगडंडी की राह से बगल में पुस्तकें दबाए एवं कंधे पर खाने की झोली लटकाए सत्यनारायण को वहां पहुंचना पड़ता था। बुक्कापट्टनम की शाला के एक शिक्षक श्री बी सुब्बर्णाचार्य सत्यनारायण के विषय में सन 1944 में प्रकाशित एक तेलुगु पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं, सत्यनारायण 8वीं कक्षा में मेरा विद्यार्थी था। अपने सादे वस्त्रों के समान ही सरल स्वभाव का, आडंबरहीन, सत्यनिष्ठ एवं बड़ों का आदर करने वाला बालक था। हां, आडंबरहीन। विचार कीजिए कि इस विशेषण की प्राप्ति के लिए उसने अपनी शक्तियों तथा दैवी महिमा को किस प्रकार से छिपाए रखा होगा। अपने परिचय को प्रकट करने के सुअवसर की प्रतीक्षा में केवल एक आडंबरहीन बालक के समान आचरण करने में सत्या ने जिस आत्मनियंत्रण शक्ति का प्रदर्शन किया वह प्रशंसनीय है। इसी तेलुगु ग्रंथ में ही सत्यनारायण के अन्य शिक्षक श्री बी सी कुंडप्पा लिखते हैं, इस मितभाषी बालक अन्य बालकों के पहुंचने से पहले ही शाला में उपस्थित रहता था। शाला के बाहर किसी वृक्ष के नीचे ईश्वर का चित्र स्थापित कर वहां के बालकों से पूजा करवाता था। कभी कभी हाथ के संकेत मात्र से ही विग्रह का सृजन कर पूजा करवाता था। मंगल आरती के पश्चात अपने हाथ से ही निर्मित मिठाई प्रसाद स्वरूप बांटता था। कभी अपनी खाली थैली से मुट्ठी भर भर कर मीठी बूंदी, पेपरमेंट इत्यादि सामग्री निकालकर अपने सहपाठियों को बांट देता था। यदि उससे पूछा जाए कि यह सब सामग्री उसके हाथ में कैसे आ जाती है तब वह कहता कि उसके वश में ग्राम शक्ति है जो उसे मांगी हुई वस्तु तत्क्षण प्रदान कर देती है। उसके वशीभूत उस ग्राम शक्ति का प्रभाव उसके एक शिक्षक ने एक दिन प्रत्यक्ष अनुभव किया। कक्षा में रहते हुए भी सत्यनारायण का लक्ष्य कहीं और ही रहता था। इस विषय में बाबा कहते हैं, जानते हो मैं वहां बैठकर क्या किया करता था? उस वृक्ष के नीचे बैठ पूजा करने वाले बच्चों के लिए मैं भजन और अष्टोत्तर शतनामावली की रचना किया करता था। एक दिन वे शिक्षक कक्षा में जब कुछ लिखवा रहे थे तब सत्या का ध्यान कहीं और लगा देख अपने को अपमानित मान उन्होंने कहा, जो छात्र नहीं लिख रहे हैं वे खड़े हो जाएं। सत्या उठकर खड़ा हुआ, अन्य बालक बैठे ही रहे। न लिखने का कारण पूछने पर सत्या ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे पढ़ने या लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लिखाए गए विषय पर किसी भी प्रश्न का मैं यथा योग्य उत्तर दे सकता हूं, फिर और क्या चाहिए? और भी अधिक क्रोधित होकर शिक्षक ने आज्ञा दी, ढीठ, शाला के अंतिम घंटी होने तक बेंच पर ही खड़े रहो। प्रत्युत्तर ना दे सत्या बेंच पर ही खड़ा हो गया। कक्षा में पाठ पुनः आरंभ हुआ किंतु अपने प्रिय गुरु को बेंच पर खड़ा देखकर सब सहपाठी व्यथित हो उठे। सबके मुख पर उदासी छा गई। घंटी द्वारा पाठ समाप्ति की सूचना मिलते ही सब छात्रों ने चैन की सांस ली। अगला विषय पढ़ाने के लिए श्री महबूब साहब नामक शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया।
सचमुच वे पवित्र आत्मा थे। उनके विषय में ऐसा बाबा आज भी कहा करते हैं। अंग्रेजी भाषा पढ़ाने में वे अत्यंत प्रवीण थे। उनकी शिक्षण प्रणाली इतनी सरल एवं सहज थी कि लड़कों का भाषा ज्ञान थोड़े ही समय में परिपक्व हो जाता था। सत्या उनका प्रिय शिष्य था। सत्या कहीं भी हो उसका पता लगाकर वे उसको अपने घर ले जाते और अनेक खाद्य पदार्थ खाने का आग्रह करते। देखो भाई सत्या, यह सब चीजें घर धुलवाने के बाद ही शुद्ध बर्तनों में विशेष रूप से तैयार की गई हैं। मांसाहार बनाने के बर्तन उपयोग में नहीं लाए गए हैं। जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। सत्या को सामने खड़ा करके उसके मुखारविंद का अवलोकन करने में उन्हें परमानंद का अनुभव होता था। सत्या के बालों से खेलते हुए वे स्वतः ही कहते, सत्या तुम अद्वितीय बालक हो, तुम्हारे द्वारा लाखों मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त होगी, तुम महाशक्ति हो। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए महबूब खान साहब कक्षा में प्रविष्ट हुए, लेकिन उनके लिए पहले शिक्षक ने कुर्सी खाली नहीं की। इसके अतिरिक्त अपनी आंखों के तारे सत्यनारायण को बेंच पर खड़ा देख खान साहब को आश्चर्य एवं क्रोध हुआ। धीरे से उस शिक्षक के पास जाकर उन्होंने कहा, उठिए महाशय। तब वे शिक्षक महबूब खान के सिर की ओर झुककर कान में कहने लगे, उठ नहीं सकता खान साहब, मैं उठता हूं तो कुर्सी भी मेरे साथ उठ जाती है, चिपक गई है। इनकी इस बातचीत को तेज कान वाले कुछ विद्यार्थियों ने सुन लिया। उनमें से एक लड़के ने निर्भीक होकर कहा, गुरुजी बेंच पर खड़े सत्यनारायण को नीचे उतरने के लिए कहिए, तभी आप चिपकी हुई कुर्सी से मुक्त हो सकेंगे। हां साहब, सब कुछ छोड़कर आप इसे ही क्यों अपमानित कर रहे हैं? खां साहब ने भी पूछा, अरे भाई नीचे उतर जाओ, तुमको खड़े होने का दंड देना ही मेरी भूल थी, शिक्षक ने कहा। सत्या के नीचे उतरते ही शिक्षक का कुर्सी से उठना संभव हुआ। आपने ऐसा क्यों किया स्वामी? क्या आप उस शिक्षक पर कुपित थे? क्या यह आपके क्रोध का ही परिणाम था कि कुर्सी शिक्षक से चिपक गई? एक बार बाबा से मैंने इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्होंने उत्तर दिया, छी छी, क्रोध की भावना मुझ में है ही नहीं। मैं क्या हूं और कौन हूं इसका थोड़ा सा परिचय देने का और आगे की जाने वाली घोषणा की भूमिका रचाने का मेरा उद्देश्य था। शाला में तथा अन्यत्र कई महीनों तक इस घटना की चर्चा होती रही। शाला को जाते और घर वापस लौटते समय सत्या अपने साथियों को साधु संतों की कहानियां सुनाया करता था। वह साथियों से आग्रह करता, प्रार्थना करनी चाहिए, एकाग्रता का अभ्यास होना चाहिए और सदा संतोष एवं धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्यसाई प्रोग्राम के तहत भगवान बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित श्री भगवान द्वारा बुक्कापट्टनम स्कूल में की गई कुछ एक सुमधुर बाल लीलाओं से सुसज्जित एक अलौकिक प्रसंग। गान सरिता साईं प्रेमवाणी के अंतर्गत गीतों के प्रस्तुति के इस भाग में हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के बच्चों के लिए तैयार किए गए एक सुमधुर गीत को। इस गीत के बोल हैं, प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के, सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। इस गीत में बाल विकास कार्यक्रम से मिली हुई ऊर्जा को विश्व भर में फैलाने के लिए बच्चों के मन के विचारों को गीत के रूप में संजोकर प्रस्तुत किया गया है। तो आइए सुनते हैं गीत, प्रेम संदेशा लाए हैं हम।
प्यास की। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। सुंदर सुरभित फूलों जैसे इस जग को महकाएंगे, जन जन में खुशियां बांटेंगे, स्वर्ग सही से बनाएंगे, प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई जैसे तारे चम 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 के हम भी न्यारे, चम 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 के हम भी न्यारे, चम 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 के हम भी न्यारे। चंदावन तुम आओ साईं सबके प्यारे सबसे न्यारे, सबके प्यारे सबसे न्यारे। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई धर्म की राह पे चल के आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। शांति फैलेगी धरती पर हम जब आगे आएंगे, हम जब आगे आएंगे, हम जब आगे आएंगे। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। खेरु जैसे हम संदेशा ये फैलाते हैं, संदेशा ये फैलाते हैं, संदेशा ये फैलाते हैं।
की रक्षा को भगवान इस धरती पर आते हैं, हाँ प्रेम संदेश लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के, प्रेम संदेश लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के, सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के, सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के, ओम श्री साई राम, 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 ओम श्री साई राम। सत्य साई सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने प्रकाशित किया है साई संस्कार गीतमाला भाग 2। 5 जनवरी 2019 को इस गीतमाला को स्वामी के श्री चरणों में समर्पित कर प्रसारित किया गया है। प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज हम अंकल लायंस टेल्स के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कहानी का हिंदी रूपांतरण इसमें सुनेंगे, जिसका शीर्षक है ईश्वर की योजना। ईश्वर की योजना। एक रविवार को बिल्लू अपनी नानी के घर गया। दोनों बगीचे में घूम रहे थे, तभी नानी देखो सेब के पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता, इतना बड़ा, इसमें तो 3 लीटर शहद निकल सकता है, पर हम लेंगे नहीं। वाह शहद, पर हम लेंगे क्यों नहीं नानी? क्योंकि मधुमक्खी अपने बच्चों को पालने के लिए शहद इकट्ठा करती है, पर आदमी वो सारा ले लेता है। अगर हम वो शहद ना लें तो बाग में कितनी सारी और भी मधुमक्खियां पल सकती हैं, है ना? नानी देखो उस बेल पर सफेद गोल गोल सा क्या लटक रहा है? बिल्लू वो तितली का घर है, उसे ककून कहते हैं। अब घर चलो, अंधेरा हो रहा है। वाह अब मैं तितली देख सकता हूँ। बिल्लू कहाँ हो, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। नानी मैं यहाँ तितली देख रहा हूँ, बस 2 मिनट में आता हूँ। बिल्लू तितली ककून में सो रही है, वो कुछ दिनों के बाद ही निकलेगी। कुछ दिनों के बाद? ये तितलियां इतना सोती क्यों हैं? अच्छा नानी मैं आता हूं। अरे ककून में तो छेद है, मुझे तितली भी नजर आ रही है। ओह ये तो बेचारी फंसी हुई है, मैं ककून तोड़कर इसे निकाल लेता हूं, मैं तो बड़ा हूं ना। तितली
अब तुम उड़ सकती हो। ये क्या, ये तो तितली नहीं कीड़ा है, और इसके पंख भी कितने छोटे हैं। नानी नानी ये क्या, ये तो तितली नहीं कीड़ा है। अरे बिल्लू ये तुमने क्या किया बेटा, तुमने ककून क्यों तोड़ा। नानी तितली फंस गई थी, मैं तो उसे सिर्फ बचा रहा था। बिल्लू ककून से निकलने की कोशिश करते करते जब पंख मजबूत हो जाते हैं तब तितली खुद ककून तोड़कर बाहर आ जाती है, तब वो खुश होकर उड़ती फिरती है। भगवान ने हर चीज हमारे भले के लिए बनाई है और उसका सही समय भी नियत किया है। छोटे छोटे पंछी भी जब उनके पंखों में ताकत आती है तभी उड़ पाते हैं। छोटा सा बीज वक्त आने पर ही अंकुर से पेड़ बन पाता है, ठीक वैसे ही ये कैटरपिलर भी वक्त आने पर ही तितली बनकर उड़ पाता है। इस संसार में सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है। हम धीरज से काम लेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे आदर्श जीवन आनंद उपवन। अंकल लायंस टेल्स के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ईश्वर की योजना नामक शीर्षक की एक कहानी का हिंदी रूपांतरण आज इसमें प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब सुनते हैं दिव्य संदेश। आज इसके अंतर्गत भगवान द्वारा 9 दिसंबर सन 1979 को दिए गए अमृत भाषण से एक भाग लिया गया है। इसमें भगवान आस्तिक नास्तिक एवं अच्छाई बुराई इत्यादि गुणावगुणों के परस्पर संबंध, महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं। दिव्य संदेश। प्रेम स्वरूप राय प्रेम स्वरूपो चीनाड़ लोकमुनो कृत्रिमैन कुटिलारिनी आकर्षिस्तू आशिस्तू सत्यनित्यमैन कुटिलारिनी विस्मरिस्तू वस्तुन्नाडु मानव। आज मनुष्य कृत्रिम वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहा है, वह शाश्वत सत्य को भूलने लगा है। సత్య నిత్యమైనటువంటి యొక్క విషయమునందు మానవుడు అనేక విధములుగా విరోధాన్ని విజృంభిస్తున్నాడు। సత్యకే ప్రతి ఉదాసీనత దిఖానే లగా హై। దైవత్వము సర్వుల యందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఏకశక్తి తత్వము అనేటువంటి దాన్ని ఈనాడు మనం గుర్తించాలి। ఈశావాస్యం విధం సర్వం ప్రతి మానవుడు కూడా దుఃఖ నివృత్తి ఆనంద ప్రాప్తిని ఆశిస్తున్నాడు। ఆజ్ హమే యహ జాన్ లేనా చాహియే के दैवत्व ऐसी शक्ति है जो हर एक के भीतर स्थित है। ईसा तत्व का अस्तित्व प्रत्येक मनुष्य में है। ईसा वास्यम इदम सर्वम। प्रत्येक मनुष्य दुखों से छुटकारा पाना चाहता है और सुख की कामना करता है। ये मानव दुख निवृत्ति कावालनी लेक आनंद प्राप्ति कावालनी आशिंचिनटुवंटि वाडु लेडु। ये कावाता दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति अनगा एमिटि, ऐसा कोई नहीं है जिसे दुखों से छुटकारा और प्रसन्नता नहीं चाहिए। दुखों से छुटकारा और आनंद की प्राप्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मुक्ति। नास्तिकुलकानि यास्तिकुलकानि आस्तिकुलकानि आस्तिक नास्तिकुलकानि योगिकानि भोगिकानि जोगितानि वैराग्यानि वैराग्यानि। ఎవడైనా కూడాను దుఃఖ నివృత్తి ఆనంద ప్రాప్తి అత్యవసరంగా ఆశిస్తున్నాడు। ముక్తి అనగా ఏమిటో వాడు గుర్తించుకోలేకపోయినటువంటి మూర్ఖుడు మాత్రమే ఈ ముక్తి నాకు అక్కరలేదు అనవచ్చు। ముక్తి అనగా కేవలం ప్రత్యేకమైనటువంటి కట్టణము చేత ఎయిర్ కండిషన్ ఏర్పాటు చేసి సర్వ సుఖములతో అమర్చినటువంటి యొక్క భవనము కాదు ముక్తి, కేవలం మోహక్షయమే మోక్షం। హో సక్తా హై కోయి ఆస్తిక్ హో కోయి నాస్తిక్ హో కోయి తటస్థ హో కోయి యోగి హో కోయి భోగి హో కోయి భీ క్యో నా హో, हर व्यक्ति दुखों से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति चाहता है।
कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि मुझे मुक्ति या मोक्ष नहीं चाहिए। मुक्ति का अर्थ सभी सुख सुविधाओं से युक्त कोई वातानुकूलित बंगले से नहीं है। मोह या लगाव से मुक्त होना ही मोक्ष है। अहंकार निर्मूल केवल आखिर अरकोवे मोक्षमें ईगो अहंकार कनकनी अहंकार अपेक्षल निर्मूल का उच्चो आना इतनी की स्वेच्छ लभ కనుక ఈనాడు ఏ నాస్తికునైనా పోయి ఏమైనా నాస్తిక నీకు మోక్షం కావాలంటే నాకు అక్కర్లేదు అంటాడు. కానీ వాళ్ళు మోక్షం అంటే ఏమి అర్థాన్ని తీసుకుంటున్నారో అర్థం కావటం లేదు. అంటే అక్కర్లేనటువంటి వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆనంద ప్రాప్తి దుఃఖ నివృత్తి మోక్షము నీకు అవసరమా అని ప్రశ్నించినప్పుడు తప్పక కావాలి నాస్తికుడు. కనుక ఏకావాద జగత్తునందు పుట్టినటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడాను మోక్షాపేక్ష ఎందే ఉంటున్నాడు. కనుక జగత్తు నందు నాస్తికుడు అనేటువంటి వాడు లేడు. అర్థములు వేరువేరుగా భావించి జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నారే తప్ప సత్యాన్ని గుర్తించుకుంటే ఇది నానాత్వంలో ఉన్నటువంటి యథార్థమే మనకు గోచరిస్తుంది. ఈ నాస్తిక అనేటువంటి పదమునందు కూడాను మనం చక్కగా విభాగం చేసి చూస్తే ఇందులో కూడాను పవిత్రమైన సత్యం మనకు ప్రకటిస్తుంది. అహం సే ముక్తి ఆర్ ఇచ్ఛాఓ పర్ నియంత్రణ భీ మోక్ష యా మోహ క్షయ కహా జా సక్తా హై. जैसा कि कमल साहनी ने कहा है, मैं मोक्ष चाहता हूं, मैं आजादी चाहता हूं, मैं अहम का सूचक है, चाहता हूं इच्छाओं का सूचक है। यदि हम अपने अहम और इच्छाओं से मुक्ति पा लेंगे तो मुक्ति खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। यदि आज हम किसी नास्तिक से जाकर पूछें कि क्या आप मोक्ष पाना चाहते हैं, वह कहेगा नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। किंतु हम यह नहीं जानते कि वे मोक्ष शब्द का क्या मतलब निकालते हैं। जब हम मोक्ष न चाहने वाले व्यक्ति को जाकर यह बताएंगे कि मोक्ष का सीधा सरल अर्थ है दुखों से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति, तब वह तुरंत कहेगा हां मुझे मोक्ष चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मोक्ष पाने की तमन्ना रखता है। अर्थात इस विश्व में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। जब थोड़ी गहराई में जाकर हम नास्तिक शब्द का अर्थ ढूंढेंगे तो एक नास्तिक को भी इस शब्द की पवित्रता समझ में आ जाएगी। नास्तिक दैवम उन्नाडा अंटे दैवम लेडु अंटा, देयर इज नो गॉड अंटा। यदि आप एक नास्तिक से पूछें कि इज देयर गॉड, तो वह कहेगा देयर इज नो गॉड। నిజముగా తెలివితేటలు కలిగినటువంటి వాడు ఈ పదమునే చక్కగా లోతులకు దిగి విచారం చేస్తే దేర్ ఈజ్ మొదలొచ్చింది, నో గాడ్ నెక్స్ట్ వస్తాం. ఇది కేవలము నాస్తికత్వంలోనా ఆస్తికత్వంలోనా ఉన్నటువంటి యొక్క ఇది వర్డ్స్ బిల్డింగ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇన్ శబ్దం కో థోడా ధ్యాన్ సే దేఖనే పర్ హమ్ దేఖేంగే కి దేర్ ఇజ్ పహలే ఆర్ నో గాడ్ బాద్ మే ఆతా హై. अर्थात पहले वह कहता है ईश्वर है और बाद में इनकार करता है। नास्तिक और आस्तिक के अर्थ में भी केवल शब्दों का हेर फेर है। नास्तिकुनिकी आस्तिकुनिकी उन्नटुवंटि योक्क व्यत्यासम एक्कड़ा अनेटुवंटि दानि विचारिंचालि। हमें नास्तिक और आस्तिक का फर्क भी जान लेना चाहिए। नास्तिकुडु गॉड इज नोवेयर अंटाडु। नास्तिक कहता है देयर इज गॉड नोवेयर, गॉड इज नो पदम। इसमें चार शब्दों का समावेश है, गॉड इज नो वेर। आस्तिक भी इन्हीं चार शब्दों का उपयोग करते हुए कहता है गॉड इज नाउ हियर। वह W अक्षर की केवल जगह बदल देता है। तेलुगु, कन्नड़ या संस्कृत में भी नास्तिक और आस्तिक शब्द हैं।
విభాగం చేసినప్పుడు నా ప్లస్ ఆస్తి నాస్తి అయిపోతుంది. యది హం నాస్తిక్ శబ్ద కా సంధి విచ్ఛేద్ కరేంగే తో హోగా నా ధన్ ఆస్తిక్, అర్థాత్ నాస్తిక్ మే ఆస్తిక్ మౌజూద్ హై. కనుకని ఏ దావా అట ప్రతి జీవి యందు ప్రతి మానవుని యందు ప్రతి అణువునందు కూడాను ఈ ఆస్తికత్వం అనేటువంటిది దైవత్వము అనుస్వరూపాన్ని ధరించి ఉంటుండాలి. దీనిని పురస్కరించుకుని అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అన్నారు. ఒక మర్రి విత్తనమును మనం కోసి దానిని అనేక ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థములతో మనం చూచినప్పటికీ ఆ విత్తనంలో ఉన్నటువంటి అణుశక్తి మనకు గోచరించదు. కానీ దానిని పోషించినప్పుడు బ్రహ్మాండమైనటువంటి వృక్షంగా రూపొందుతున్నారు. ఈ సందర్భమే యహ కహనా ఉచిత్ హోగా కి ప్రత్యేక చల్ అచల్ వస్తుమే ब्रह्मांड के कण कण में दैवत्व उपस्थित है. इस संदर्भ में ईश्वर का वर्णन छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा कहकर किया जाता है. बरगद के एक बीज को काटकर यदि हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी उसका निरीक्षण करेंगे तो भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, किंतु उसी बीज को यदि जमीन में बोकर उसकी देखभाल की जाए तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा. अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश. भगवान बाबा द्वारा 9 दिसंबर सन 1979 को दिए गए अमृत भाषण से इसके अंतर्गत आज एक भाग प्रस्तुत किया गया था. इसमें भगवान आस्तिक नास्तिक एवं अच्छाई बुराई इत्यादि गुणावगुणों के परस्पर संबंध, महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे थे. दिव्य संदेश. इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है. उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं. हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258258. हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं. इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें. आप हमसे अपने विचार वहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं. भगवान के वचन हमारा आचरण बन जाए, भगवान का प्यार हमारी हर एक सांस में शामिल हो जाए और हमारे जीवन में इस आनंद की बढ़ोतरी दिनों दिन होती रहे, इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं. आप सबको रेडियो साई की तरफ से सप्रेम साई राम. Oh, oh, oh.